स्नैपड्रैगन 636 एक मिड रेंज चिपसेट है जो आपको अक्सर 15,000 से 18,000 रुपए के फोन्स में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं आपको एक फोन के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको ये जो प्रोसेसर है वो 11,000 रुपए के नीचे में मिल रहा है और उसी के साथ साथ आपको उस फोन में बहुत सारे अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिल जाएंगे। जानना चाहते हैं उसका नाम, तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो बजट प्राइस पॉइंट में आपको स्नैपड्रैगन 636 मिल रहा है ASUS के ZenFone Max Pro M1 में। और अब अगर आप 636 को 11,000 रुपए में अगर दूसरे फोन से कंपेयर करें जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 625 मिल जाएगा, तो वहां पे आपको दोस्तों जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो लगभग 45% ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आप स्नैपड्रैगन 636 के बेंचमार्क्स देखो तो 1,15,000 तक आपको मिल जाएंगे, बट वहीं अगर आप स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर को देखें तो आपको 70,000 to 72,000 के जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं मिल जाते हैं। अब बेंचमार्क स्कोर छोड़ करके अगर आप स्नैपड्रैगन 636 के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वहां पे आपके जो गेम्स हैं वो ज़्यादा स्मूथ चलते हैं और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे दोस्तों मिलता है क्रियो कोर्स। अब अगर आप इसे स्नैपड्रैगन 625 के ARM या फिर जो आर्म कोर्स हम लोग बोलते हैं उससे कंपेयर करें तो क्रियो कोर्स ऑन पेपर ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी होंगे। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो GPU मिलता है दोस्तों वो भी होता है एड्रीनो 549, और अगर आप डायरेक्टली उसे स्नैपड्रैगन 625 के साथ कंपेयर करें तो आपको वहाँ पे मिलता है एड्रीनो 546 का GPU। तो बेटर GPU में आपको जो गेम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं, एट द सेम टाइम आपको ओवरऑल जो कोर्स हैं उसमें आपके डे टू डे टास्क और जितने भी आप एप्स और गेम्स खेलोगे उसमें दोस्तों आपको अपग्रेडेड परफॉर्मेंस मिलेगी। अब इसी के साथ साथ आपको स्नैपड्रैगन 636 में मिलता है डुअल वोल्टी की फंक्शनैलिटी जो कि स्नैपड्रैगन 625 और जो दूसरे जो बजट चिपसेट होते हैं उसमें मिसिंग होते हैं। तो इस डुअल वोल्टी फंक्शनैलिटी में आपको जैसे अगर आप दो सिम कार्ड डालना चाहो जियो के तो वो डायरेक्टली चला पाओगे और दोनों ही सिम कार्ड्स में आपको नेटवर्क मिलेगा। ऐसे में अगर आपके पास एयरटेल या वोडाफोन भी है जिसमें आपके जो वोल्टी फंक्शनैलिटी इनेबल्ड है तो वो सारी भी दोस्तों एक साथ आपको स्नैपड्रैगन 636 में मिल जाएंगी। एंड जो सेकेंडरी सिम है उसमें आपको जो 2G और जो 3G है वहाँ की लिमिटेशंस नहीं देखने को मिलेंगी। अब तीसरा फीचर इस फोन का है इसके जो 2+1 माइक्रो SD कार्ड और जो सिम कार्ड स्लॉट है वो। तो इस प्राइस रेंज में आपको अक्सर फोन्स में हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें आप या तो दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, बट आपको ZenFone Max Pro M1 में दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड डायरेक्टली एक साथ लगाने का ऑप्शन मिलता है, जिससे अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे वीडियो स्टोर करना चाहते हैं, बहुत सारे म्यूजिक स्टोर करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आप वहां पे अपने जो दो जियो के सिम कार्ड है या फिर एक जियो एक ओटी जो भी सिम कार्ड अगर आप एक साथ यूज़ करना चाहेंगे तो वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे मेमोरी कार्ड रखना चाहिए या अपने दो सिम कार्ड, तो वो सोच अब यहाँ पे आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट फीचर है फोन का दोस्तों वो है इसकी 5000 mAh की बैटरी। तो अगर आप दूसरे डिवाइसेस में देखते हैं तो ऐसे में जब 4,500 और 5000 mAh की बैटरी होती है तो जो डिवाइसेस बहुत बल्की हो जाते हैं, बट यहाँ पे दोस्तों आपको 200 ग्राम में 5000 mAh की बैटरी है उस स्ट्रक्चर में मिलती है। एट द सेम टाइम जब इसको यूज़ करेंगे तो जो भारीपन है आपको इतना शायद नहीं महसूस हो। अब अगर आप 5000 mAh की बैटरी को डायरेक्टली एक 3500 mAh की बैटरी या फिर एक 4000 mAh की अगर बैटरी से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपको जो पावर आउटपुट है वो भी ज़्यादा मिलेगा पूरे दिन के लिए। अब अगला फीचर है इस फोन का इसका डिस्प्ले। तो आपको 11,000 रुपये से नीचे यहाँ पे एक 6 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, और ऐसे में जो दोस्तों ये डिस्प्ले है वो एक IPS LCD डिस्प्ले है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 1:15,000 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्यों हेल्पफुल है, तो ऐसे में अगर आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो को देखें, अगर डायरेक्टली कंपेयर करें और किसी एक फोन का अगर समझ लीजिए 10,000 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 1:10,000 और किसी एक फोन का अगर 1:15,000 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, तो आपको जो 15,000 वाला जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वहाँ पे आपको जो ब्लैक लेवल्स हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो कलर रिप्रोडक्शन है स्क्रीन पे वो ओवरऑल ज़्यादा बेटर मिलती है अगर आप वही 10,000 वाले कॉन्ट्रास्ट रेशियो से अगर कंपेयर करते हैं, और इसी के साथ साथ जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसमें भी आप डिफरेंस देख पाएंगे। अब अगला फीचर है दोस्तों इस फोन में इसका फ्रंट फेसिंग LED फ्लैश। तो अगर आप रात में सेल्फीज लेना चाहते हो और वहाँ पे अगर लाइट की कमी है तो ऐसे में आप फ्रंट कैमरा में जो LED फ्लैश लाइट है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और ऐसे में वो LED फ्लैश बहुत हेल्पफुल साबित होगा अगर आपके बैकग्राउंड में लाइट नहीं और आपके अगर चेहरे पे आपको इल्यूमिनेशन डालना है। तो नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉयड सपोर्ट
Zenfone Max Pro में आपको मिलता है। तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है तो ऐसे में आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 8.1 का सपोर्ट मिलता है। और हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड होता है तो वहाँ पे जो अपडेट्स होते हैं, जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं, जो FRC जो होती है सिक्योरिटी में, तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। एंड अगर आपको अपने फ़ोन पे ब्लोटवेयर्स पसंद नहीं है और सिर्फ जितने भी ऐप्स आप चाहते हैं वो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी फंक्शनैलिटी आपको Zenfone Max Pro M1 में मिल जाएगी। अब फाइनल फीचर दोस्तों Zenfone Max Pro M1 का है मैक्स बॉक्स, जो इसके इनबॉक्स कंटेंट में आपको मिल जाता है। तो ऐसे में आपको ये जो मैक्स बॉक्स है वो एक फ़ोन का स्टैंड है, बट एट द सेम टाइम अगर आप गाने सुन रहे हो तो आपके जो ओवरऑल एम्प्लीफिकेशन है वो ये बॉक्स ज़्यादा कर देगा। अब ये जो मैक्स बॉक्स है दोस्तों ये पोर्टेबल है, इसे आप फोल्ड करके पॉकेट में डाल सकते हो कहीं भी, अगर आप बाहर ट्रिप में जा रहे हो या फिर अगर आप किसी दोस्त के घर में जा रहे हो और आपको अपने फ़ोन से गाने सुन रहे हैं तो ये जो पोर्टेबिलिटी है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था ASUS का Zenfone Max Pro M1, जो 11,000 रुपये के नीचे आपको Snapdragon 636 तो देता ही देता है, उसके साथ साथ आपको 5000 mAh की बैटरी, 2+1 मेमोरी कार्ड एंड सिम कार्ड स्लॉट, Android Oreo और भी बहुत सारे अदर फीचर्स जो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिए हैं। अब अगर आप हमसे और कुछ पूछना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना जो क्वेश्चन है वो ज़रूर लिखें। अगर आप ये फ़ोन डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे आपको उसके लिंक भी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसके पीछे हमारी मेहनत है, वो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए, बाय।